तो महाराज जी तो बोले कि सिर्फ ये ओरिजिनल जो है रुद्राक्ष सिर्फ सीओर में मतलब मिलता है, ऐसा भी होता है ऐसे नदी में तालाब में फेंको तो ऊपर आती है। हाँ ये चली गई तो ये मतलब असली है। यस, कोई भी ले वो तो ऐसे जैसे मैं चेक करके दिखाया वैसे चेक करके देखना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, और आज है कथा का अंतिम दिन। और अभी यहाँ दो दिन से जो मौसम है बहुत गड़बड़ा रहा है, दो दिनों से मतलब यहाँ खूब बारिश हुआ है, और लोगों के जो मन में जो भावना आस्था है वो भाई बहुत ही अलग है, क्योंकि जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तोजन जो भी आ रहे हैं भक्त, तो भाई जो पानी मतलब पानी जो गिर रहा है उसमें भी जो लोग पानी बरसात में भी कथा सुन रहे। कल एक्चुअली मैं कल आया नहीं था, कल मुझे काम था तो इसलिए मैं कल आ नहीं पाया, और आज अंतिम दिन है तो बाबा जी के दर्शन भी करेंगे हम साथ मिलेंगे। और चलो मैं पीछे का जो पूरा माहौल है वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी से यहाँ पर जो पूरा कीचड़ कीचड़ है वो हो गया, और अभी लगभग थोड़ी देर में ही भी पानी गिरा था तो अभी रुका हुआ है पानी। और यहाँ पर जो सुबह से जो है कुछ ना कुछ जो है वितरण हो ही रहे, पोहा खिचड़ी बिस्किट जो मन में जो आस्था है जो लोगों सब बांट रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो है बाबा भी आ जाएंगे, तो मैं पास में आपको लेके जाके आपको दिखाऊंगा और बाबा जी के वहां पर दर्शन करेंगे। तो अभी यहां का माहौल कुछ ऐसा है कि लोग तो अभी भाई पानी में जहां जगह मिल रहा है वहां लोग बैठ रहे हैं। यहाँ रुद्राक्ष वाले बाबा है तो यहां पर जाके पता करते हैं असली मतलब पांच मुखी वाला तीन मुखी वाला जो भी कुछ है अंकल से बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रकार प्रकार के जो रुद्राक्ष है, इसमें ये कौन साल है, इसमें कौन साल है ये रुद्राक्ष है? एक मुखी वाला ये, ये पांच मुखी वाला ये, कौन सा एक मुखी वाला है? ओरिजिनल है अभी फोड़ लो मेरे सामने, पानी में एक घंटा नहीं 50 घंटा बुरा दो पानी के अंदर। ये ओरिजिनल फल है, नेपाल काठमांडू पशुनाथ मंदिर वाला चीज, मतलब ओरिजिनल है ये, ये ओरिजिनल है। वैसे वो जो महाराज जी तो बोले कि सिर्फ ये ओरिजिनल जो है रुद्राक्ष सिर्फ सीओर में मतलब मिलता है, ऐसा शिवहर वादी नेपाल से आती है। हाँ शिवहर वादी नेपाल से आते नेपाल काट नहीं, महाराज बोले जैसे ना कि सीओरी में जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है वो सिर्फ सीओर में मिलता है। शिवहर में झाड़ थोड़ी थे इसका। हाँ वो भी तो कहीं बाहर से बुलवाता है पंडित, तो मतलब ये ओरिजिनल है ये वाला, ये ओरिजिनल है ये वाला। और ये एक मुखी वाला शिवहर है, आष्टा है, नहीं एक मुखी वाला ये है, एक मुखी वाला ये है, ये पांच मुखी है, ये पांच मुखी है, ये पांच मुखी है। इसका प्राइस क्या है पांच मुखी का? प्राइस ये है तांबे के सिक्के के ऊपर घुमाओ तो घूमेगी। हाँ पानी में असली उतरास होगी, पानी में डुबाओ तो मुड़ जाएगी। एक बार करके दिखा दो ना, करके दिखा दो ना, मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो लोगों को भी देखेंगे कि आएंगे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो के थ्रू लोग देखेंगे भी। चलो तो आज चेक करते हैं रुद्राक्ष, और यहाँ से पानी लेते हैं और चेक कराते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये अपने को पानी मिल गया, अब जाके चेक करते हैं। तो अभी अंकल जो है चेक कराएंगे जो ओरिजिनल है या नकली है वो प्रूव करके दिखाएंगे। तो बता दो कैसे बना रहे, वीडियो स्टार्ट है, जो पता कैसे चलेगा लोगों को कि ये नकली है या असली है? ये कौन सा मुखी वाला है ये जो? ये पांच मुखी है। बता दो मतलब कैसे चेक कैसे करते, ओरिजिनल या नकली? ओरिजिनल होगा अंदर डूब जाएगी। हाँ और जो भद्राज जिसको कहते हैं, हाँ वो ऊपर आ जाएगी। जैसे सड़ा केला होता है, सड़ा नींबू होता है, सड़ा मुसब्बी होता है, ऐसे नदी में तालाब में फेंको तो ऊपर आती है। हाँ और असली केला सतरंगी को फेंकोगे तो डूब जाएगा, उसी तरह ये उद्रास है। तो एक बार करके दिखाओ ना, ये लो देखो ये चली गई, तो ये मतलब असली है? ये असली है, ये भी चली गई, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ये भद्रास है। मतलब ये असली है कि नकली है? नकली है ये, वो नकली है ये, मतलब वो डूब गया, मतलब असली, ये असली है, ये चली गई, मतलब जो अंदर पानी के अंदर वो असली है, असली है ये डूब गई, ये भी डूब। अब एक मुखी देखो, कौन से एक मुखी? ये एक मुखी, ये एक मुखी। हाँ डालो एक मुखी,
और डूब गया, मतलब असली है, असली है। तो कुछ इस प्रकार है, जैसे आप लोग को भी अगर टेस्ट करना है तो पानी में अपना कुछ भी एक तो लोटे में रुद्राक्ष अंदर डाल सकते हो, अगर अंदर गया तो वो असली है, जो ऊपर आ गया मतलब वो नकली है। तो ऐसी मतलब चेक होता है ना अंकल? बस ऐसे चेक होता है। धन्यवाद अंकल इतना जानकारी देने के लिए, मतलब आपके वीडियो के जरिए मतलब लोग देखेंगे परखेंगे, अगर और भी कहीं से लेंगे तो लोग को मतलब पता चलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे कोई भी भाई हो या बहन हो या माता हो, कोई भी ले तो ऐसे जैसे मैं चेक करके दिखाया वैसे चेक करके देखना चाहिए। धन्यवाद अंकल जानकारी देने के लिए। बाकी ये सब भी जो माले वाले हैं, माले वाले भी ये सब ओरिजिनल रहते हैं ना? ये सब ओरिजिनल है, अपना नेपाल काठमांडू का, सब नेपाल काठमांडू से। तो ये इस प्रकार का जो देखिए, जैसे कि आप देखे उसी प्रकार जो चेक करते हैं। बाकी जो यहाँ पर जो है महाराज जी भी कुछ देर में आने वाले हैं, तो मैं अब चलो ज्यादा लेट ना करके चलो मैं अंदर चलते हैं और महाराज जी से दर्शन भी करते हैं साथ मिलके। मेला पहुंच गया, इसको पौरुष में छोड़ दी। भगवान को पाने के लिए बहुत तप साधना लेना पड़ेगा और जो तुम्हारी ढोलक है